आज पूरी पाकिस्तानी कौम दुखी है कि इंडिया में इस डॉक्टर लड़की के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गईं। हम पाकिस्तानियों को बहुत दुख है और हम पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इस लड़की का दुख नहीं, यकीनन बनी आदम के लिए ये शर्म की बात है, इंसानियत दम ही तोड़ गई है। लेकिन मेरा अपनी दर्दमंदाना कौम से एक सवाल है, जो मेरी दर्दमंद कौम है ना उससे एक सवाल है कि फलस्तीन में हमारी बच्चियों के साथ हर दम ये हो रहा है, हमारी बहनों के साथ तो हो ही रहा है, हमारे भाइयों को भी सहूनी दहशतगर्द इस चीज का शिकार बना रहे हैं। क्या तुम्हें हमारी वो फलस्तीन बहन या हमारा वो फलस्तीनी भाई याद नहीं जिनके साथ ये सब हुआ? क्या तुम्हें वो 115 बच्चे याद नहीं जो इन कुत्तों की बमबारी का शिकार हो गए, जिनके जिस्म कट गए, किसी का हाथ कट गया तो किसी का सर धड़ से जुदा हो गया, किसी का सीना फट गया और दिल बाहर आ गया, तुम्हें वो याद नहीं? सहूनी दहशतगर्दों ने हमारी कौम की मां पर कुत्ते छोड़ दिए जो देखते ही देखते मां जी को चीर फाड़ गए, क्या तुम्हें वो याद नहीं? बर्मा में हमारी माओ बहनों के पस्तानों के कबाब बनाकर सहूनी दस्तगर्द खाते रहे, क्या तुम्हें वो याद नहीं? कश्मीर की बच्चियां कितने सालों से अपनी इज्जतों से खिलवाड़ होता देख रही हैं, क्या तुम्हें वो भी याद नहीं? मैं बताता हूं तुम्हें क्यों याद नहीं, क्योंकि इन मुसलमान माओ बहनों के लिए आवाज उठाने से आपको फेम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका अकाउंट भी बैन हो जाए, आपने अपना फेम हासिल कर लिया, अपना अकाउंट तो बचा लिया, पर हाय अफसोस आप ना बचा सके तो अपने मुसलमानों की औरतों की इज्जत ना बचा सके। लेकिन याद रखो, मुसलमान माओ बहनों की लुटती इज्जत का तमाशा देखने वालों, इसका हिसाब तुमसे बरोजे क्यामत जरूर लिया जाएगा। मुझसे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं ना इसको थोड़ा नहीं पूरा सोचिएगा।